जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने ये खूबसूरत ड्रेस बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और हमने आप लोगों से वायदा किया था अगले वीडियो में इसकी चोली बनाएंगे, साथ में पटका बनाएंगे और पगड़ी बनाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसकी चोली, पटका और पगड़ी बना लेते हैं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, जिन लोगों ने ये वीडियो अभी नहीं देखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आप पहले चोली बनाते हैं। तो चोली के लिए देखिए, ये हम ब्रोकेट की चोली बनाने वाले हैं क्योंकि हैवी पोशाक है। उसके लिए देखिए, हमने 3.5 इंची चौड़ी और लगभग 8 इंची लंबी ये ब्रोकेट की पट्टी ली है हमने। साथ में अस्तर भी कट किया है और ब्रोकेट को हमें क्या करना है, एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ सेंटर से हमने कट किया और पीछे से हमें ओपन रखना होता है तो एक बार हम ये पीछे से भी कट कर देते हैं। साथ ही एक बार ऐसे मोड़ेंगे और मुड़ने के बाद थोड़ी सी कमर की गोलाई भी कट कर देते हैं तो उससे क्या फिटिंग बड़ी अच्छी आती है ठाकुर जी की। हल्की सी 1/2 इंची की ये तिरछी कटिंग हमने यहाँ दे दी है मुड़ों के लिए। ये देखिए, ये हमारी चोली की परफेक्ट कटिंग है। अब इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम इसके ऊपर, अस्तर के ऊपर रखा। और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आप इसको सिल करके यहाँ से पलट लें, यहाँ से ओपन छोड़ देंगे, इसको पलट लेंगे। लेकिन हम इसको यहाँ से केवल गले की सिलाई लगाएंगे और गले की सिलाई लगा करके इसे हम पलट लेंगे, कट कर देंगे। और ये जो गोलाई है हमारी गले की, इसको भी कट कर देंगे। और जो कॉर्नर्स है ना, इनमें छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे, कट लगा देंगे, निशान नहीं कट ही लगा देंगे ऐसे, तो ताकि पलटने में ना थोड़ी आसानी हो जाती है। अब इसको हम पलट लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पलटेंगे। ये वाले जो है ना पार्ट, इसको अंदर की साइड में इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए पलट गया, बहुत आसान है। ये जो कॉर्नर है उनको इस तरीके से निकाल दीजिए। अब क्या करना है, ये किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर निकाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया फिटिंग वाली चोली ये बनी है। अब इसको इस तरीके से डबल करके एक डार्ट डाल देंगे। क्या करेंगे, गोटे की ये पाइपिंग लगा लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले सिल लेंगे, फिर इसे इस तरीके से पलट करके बिल्कुल ये नखूनी इस तरीके से सिल देंगे। देखिए, नेट की हमने 1 इंची चौड़ी ये पट्टी कट की है और इसकी महीन महीन चुन्नट डाल के फ्रिल तैयार कर लेंगे। और फ्रिल तैयार करने के बाद उस फ्रिल को हम दोनों यहाँ कंधों पर लगाएंगे। हमने बना ली, इसको 2 पीसों में कट कर लिया दोनों कंधों के लिए और यहां से लगाएंगे यहाँ तक। इसको टक कर लेते हैं पहले। अब इसको हम कटिंग कर देंगे और जिस शेप में हमें करनी है, रखनी है स्लीव्स, उसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। नेट की स्लीव से हमें बहुत अच्छा फायदा ये रहता है। देखिए, तो सुंदर लग रही है ना, इस तरीके से बाहर निकली हुई नुकीली स्लीव्स। इसी तरीके से इस साइड भी कर लेते हैं, यहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ से मोड़ देंगे, बांधने के लिए गोटा लगा देंगे। ये खूबसूरत सी ये चोली हो गई। अब पटका बना लेते हैं। देखिए, ड्रेस हमारी इतनी प्यारी बनी है तो पटका भी कुछ अलग हटके होना चाहिए। तो पटका हम नेट का बनाने जा रहे हैं पूरा। और ये 2 इंची चौड़ी हमने नेट की 3 पट्टियां कट की हैं अर्ज की। तो इसमें हमें महीन महीन चुन्नटें डाल के सेंटर में और ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो हम नेट का पटका बनाने वाले हैं और ये लगभग 12 से 14 इंच के अंदर में हमारा कम से कम पटके का साइज लंबाई रहनी चाहिए फ्रिल डालने के बाद में।
ये देखिए 14 इंची लंबी ये फ्रिल हमारी बन गई है। अब इसमें क्या करेंगे, सेंटर में ऐसे फोल्ड करके एक निशान लगा लेते हैं, और निशान लगाने के बाद ये नेट की हम कटिंग करेंगे। थोड़ी सी यहाँ किनारों से अपन चौड़ी रखेंगे और बीच में से थोड़ी सी सकरी रखेंगे, तो इनकी कटिंग, क्योंकि नेट की क्या कटिंग करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसके बीच में हम स्टोन चेन लगा देंगे यहाँ पर दो बार, इससे हमारे ये पटके में बहुत चमक आ जाएगी। और किनारों पर हम दोनों किनारों पर ब्रोकेट के टसल्स बनाएंगे। अब इसमें हम टसल्स लगाएंगे दोनों साइड में। तो इसके लिए देखिए हमने 3x3 इंची के दो गोल पीस कट कर लिए हैं, इनको उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद चारों तरफ से सिल लेंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे, वहां से इसे पलट लेंगे। अब इसको दो भागों में कट कर देंगे, और कट करने के बाद देखिए ये छोर पर हमें इस तरीके से रखना है। ऐसे रखने के बाद में इसे सिलाई में लेंगे, ये धागा इसका छोटा है, हम इसे सुई धागे से बाद में लगा लेंगे। सुई धागे की मदद से टसल, ये जो लटकन है ना, इसको हम टक कर देंगे। इसको पलट देंगे, ये देखिए कितने सुंदर लटकन हमारे तैयार हो गए। इसी तरीके से यहाँ भी लटका देते हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है पटका। लेकिन अभी स्टोन चेन और लगाते हैं। ये देखिए ये हमने बहुत ही खूबसूरत सा पटका बनाया है, और ये इसमें बूटी भी लगा देते हैं किनारे पर, जो बूटी हमने लहंगे में लगाई है। ये देखिए बिल्कुल नए डिजाइन का पटका आपका बनकर तैयार हो गया। पगड़ी भी इसी कुछ इस तरीके की ही बनाते हैं। चलिए पगड़ी बना लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है, तो 6.5 इंच इस तरीके से हमने लंबाई ली है, और 2 इंच की लगभग ये चौड़ाई ली है हमने। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से रखना है, फोल्ड करना है ये, और फोल्ड करने के बाद इसको 0.5 इंची तक यहाँ लगभग ले जाएंगे, और ऐसे गोलाई में हमें कटिंग कर देनी है। ये कटिंग कर दी हमने। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कपड़ा रैप कर लेते हैं किसी भी कलर का, वैसे मैं रेड कलर का ही इसको रैप कर रही हूँ। अब कट लगाएंगे छोटे छोटे, अब इसको देखिए इस तरीके से गोल किया, और आपस में दोनों छोरों को ये ओवरलैप करके चिपका देंगे। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ किनारे किनारे ग्लू लगाएंगे, जहां पे हमने कट लगाया ना वहां पूरे में ग्लू लगा लेंगे। और ग्लू लगाने के बाद इस तरीके से देखिए एक दूसरे पर गिराते हुए हमें इनको आपस में चिपका लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके का घेरा बन गया। अब हमने एक रिंग बना दी है 1 रुपए के सिक्के के बराबर, इसमें भी ग्लू लगाएंगे किनारे किनारे। अब ग्लू लगाने के बाद में इसके बीच में इसको रख देंगे। ये सारी जो हमारे जो निकले हुए हैं किनारे, ये पट्टियां स्ट्रिप्स जो निकली हुई है वो इसके ऊपर चिपक जाएंगी। अब पगड़ी को रैप करेंगे। सबसे पहले हमने ये पट्टी है ना, इसको अर्ज की पट्टी को
2 इंची को कट करके और आधा इंची में कन्वर्ट कर लिया दोनों तरफ से मुड़ करके, एक बार और मुड़ करके उसको सिलाई लगा लिया हमने। अब इसको रैप करना शुरू कर देते हैं। रैप हम देखिए कैसे करेंगे। एक बार हमें नीचे से की साइड लाना होता है, एक बार ऊपर की साइड लाना होता है। इस तरीके से हम पूरे क्रॉस में से रैप करेंगे। कल ये पगड़ी को रैप करने के बाद में कलगी बनाएंगे। कलगी चलिए बनाना बताते हैं। 4 इंची चौड़ी हमने नेट की पट्टी कट की है और हमने लगभग 25 इंची लंबी ली है। इसको डबल करके एक किनारों से सिल देते हैं पहले। और देखिए सिलने के बाद इस तरीके से प्लेट्स उठा करके और एक ही जगह पर सारी प्लेट्स हमें इकट्ठी करनी है। इस तरीके से एक एक उंगली और अंगूठे की सहायता से इन प्लेट्स को उठाएंगे और इस तरीके से एक ही जगह पर हमें पूरी गैदर है ना इकट्ठी कर लेनी है। और करने के बाद सुई धागे की मदद से यहाँ पर हम टांका लगा देंगे नीचे। और टांका लगाने के बाद ये सारे ऊपर की साइड से इकट्ठा करके और जितनी हमें लेंथ रखनी है कलगी की उतनी रख के कट कर देंगे। ये हमारी कलगी बन गई। इसी तरीके से देखिए दोनों कलगियाँ हमने बना ली है, एक ब्रोकेट की बनाई है और एक हमने ये नेट की बनाई है। बड़ी कलगी हम पीछे लगाएंगे और छोटी नेट की आगे लगाएंगे। अब हम पगड़ी का डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए देखिए हम फिर से वही स्टोन चेन लगा रहे हैं। स्टोन चेन देखिए हम 2 बार लगा रहे हैं, एक बार थोड़ा गैप दे करके और लगाएंगे। एक बार लगाने के बाद इसकी जो गैप है इसके बीच में हम रेड स्टोन से ना फिल कर देंगे, रेड स्टोन भर देंगे इसके में। अब ये की बूटी ली है, इस बूटी को सेंटर में लगा देते हैं और छोटी छोटी सी जो ये फ्लावर्स हैं इनको हम साइड से लगा देंगे। कुछ हम स्टोन्स को ये रेड वाली कलगी पे लगा देंगे और ये जो बड़े वाले स्टोन्स हैं उनको आगे की तरफ हाफ कलगी में हम भर देंगे। इस तरीके से इसे पूरा फिल कर लेते हैं कलगी को। ये देखिए बहुत खूबसूरत सी ये पगड़ी हमारे ठाकुर जी के लिए बन गई है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए चोली और ये पटका, बहुत ही सुंदर पटका इनका लिए बना है। ये देखिए बिल्कुल नए डिजाइन में। और ये पगड़ी, ये तीनों बन गए। पोशाक हमने कल बनाई थी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पोशाक। आप चारों चीज देखिए। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो, पसंद आ रही है? और इस तरीके की ड्रेसेस आप और सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी वीडियो को फायदा मिल सके। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।